अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। कोई गलती नहीं है साहब। तेरी गलती नहीं, ये इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है, इसमें साफ लिखा है कि सारी गलती तेरी है। साहब ये गलत है साहब, ये मतलब कमेटी ढक्कन है। ठीक है, मैं अभी ऊपर बोलता हूं कि नाइक बोल रहे हैं कि कमेटी एक नंबर की ढक्कन है। नहीं साहब ऐसा नहीं। तो फिर कैसा? साहब मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है, मैं ईमानदार हूं। पूरी इंडिया में तू एक ही ईमानदार बचा है ना, क्या किया तूने ईमानदारी के साथ? साहब साहब मैडम का चार्ज मेरे पास था, एलिजाबेथ मैडम का चार्ज मेरे पास था, मैं उनको घुमाना फिराना खिलाना पिलाना उनकी दवा दारू सब मैं देखता था, 24 घंटा में उनकी सेवा करता था। तो मेरे को बता एलिजाबेथ प्रेग्नेंट कैसी हुई? मेरा कोई दोष नहीं है। एलिजाबेथ का पेट कैसे फूल गया? सर मैं नहीं सर। तो फिर कौन कौन है फिर? कोई नहीं सर। अबे साले स्कूल में बायोलॉजी पढ़ाई की नहीं, किसी ने कुछ किए भी नहीं, दैवी चमत्कार से पेट फूल गया क्या? क्या फूका है क्या? एलिजाबेथ के साथ किसने मुंह काला किया? कालिया। कौन कालिया? सर मुझे याद नहीं आ रहा। नायक तेरे कान के नीचे बजाएगा ना, सब तेरे को याद आएगा, बोल। सर सर मैं एलिजाबेथ को लेकर पुलिस ग्राउंड जा रहा था, रास्ते में मैं रुक गया। क्यों? पान खाने के लिए आ गए तो पान वाले के पास बहुत भीड़ थी, पान वाला पान बना रहा था, पान वाला चूना लगा रहा था। पान वाला एक कालिया है? नहीं नहीं, पान वाला तो गोरा है सर, गोरा है वो, भूरी भूरी आंखें, गठीला शरीर, बड़ी बड़ी मूछें हैं उसकी, कुश्ती का तो शौक है उसे। किसको? पान वाले को। अरे फाड़ने गए रे पान वाला, टाइम नहीं मेरे पास, आगे बोलो जल्दी। तो मैंने पान लिया और पलट कर देखा तो एलिजाबेथ नहीं थी। मैं पुकारने लगा एलिजाबेथ एलिजाबेथ मैडम, तो कहीं नहीं। मैं पुकारते हुए आगे बढ़ रहा था, आगे बढ़ा तो आगे अचानक। क्या अचानक? अचानक एक पेड़ के नीचे मैडम खड़ी थी। अकेली? साहब मुझे शर्म आती है साहब, मैडम अकेली नहीं थी साहब। तो फिर कौन था? कालिया उनके साथ था। कौन कालिया?
काले रंग का देसी कुत्ता। अरे तो किया क्या तूने फिर? सर मैंने क्या नहीं किया पूछो सर। सर मैंने सीटी बजाई, लाठी चार्ज किया, सर मैं हवा में गोलीबार भी करने वाला था सर। तो फिर? पर खेल खत्म हो चुका था सर। कालिया ने डिपार्टमेंट के मुंह पर काली पोत दी थी सर। नाइक, तेरी गलती है, तू जिम्मेदार है। तेरी लापरवाही की वजह से पुलिस की बहादुर वफादार कुत्ती एलिजाबेथ 6 पिल्लों को जन्म देकर मर गई। अरे पुलिस डिपार्टमेंट को तेरे जैसे चालू बहुत मिलेंगे, ऐसी नेक कुत्ती कहां मिलेगी? सब सब मैंने कुछ नहीं किया सब। तेरी आंखों के सामने कालिया ने एलिजाबेथ की इज्जत लूटी और तूने कुछ नहीं किया? निकल, बाहर निकल यहां से। साहब मुझे बचा लो साहब। साहब उस कालिया ने मेरा गला काटा है साहब। जा पहले कालिया को ढूंढ के ला। जा साहब, टोपी निकाल उसकी। साहब टोपी निकाल उसकी। साहब तू जा पहले कालिया को ले। हेलो साहब, मुझे बचा लो साहब। 7 दिन से बोधरों में गाड़ी चक्का चक्कर को नया साहब आने वाला है, वो भी साला 7 बजे आने वाला था, 6 बजे आ गया। साले को टाइम का कीमत है? क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? गाड़ी उतरो, उतरो नीचे। जाओ 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 जाओ, धक्का मारो जोर से। इधर जा रहे हैं, तू इधर बैठ, इधर जल्दी जल्दी धक्का मारो। चलो मारो जोर से धक्का मारो। अरे ऐसा धक्का मारो कि गाड़ी। क्या कर रहा है तू? जोर से मारो, जोर से मारो, जोर लगाओ। नया साहब आ रहा है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मारो मारो जोर से धक्का मारो। अभी तू सामने देखना, अरे कब पहुंचेंगे हम लोग। हाँ यूसुफ खान हियर सर। हाँ यूसुफ खान। हाँ यस सर, ऑफिसर कम सर। हाँ गाड़ी ब्रेक डाउन। ओके सर। सर क्यों सर क्यों? यस वेलकम वेलकम टू चांदा सर। बाबा बाबा, कालिया मेरी वर्दी लेकर भाग गई। कालिया की वजह से मेरी बीवी घर छोड़कर चली गई। कालिया की वजह से मैं रस्ते पर आ गया, इसलिए बाबा मैं तेरे दर पर आ गया। कालिया को ढूंढने में मेरी मदद कर बाबा, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर बाबा। कालिया कहाँ है बाबा? बाबा तो सब जानता है, मुझे बताओ कालिया कहाँ है बाबा? रफीक तुम्हें जो चाहिए वो रख लो, बाकी का रद्दी वाला लेके जाए। सर ये प्रोफेसर शास्त्री की नई किताब है। कौन सी? इतिहास या मिथ्या। समाज को हिलाते ऐसे फैक्ट्स और आर्गुमेंट्स है इसमें। छोड़ो कोई हिलने वाला नहीं है अभी। लेकिन सर इस किताब पर मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ। अरे बाबा ऐसे आर्टिकल के लिए हमारे न्यूज़पेपर में अभी कोई जगह नहीं है। देखो जनपद बदल रहा है, तुम कल से राशिफल लिखना शुरू कर दो, ठीक है? मैं? हाँ। लेकिन सर इसके बारे में तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, और ना ही मैं एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास रखता हूँ। अरे उसमें विश्वास की क्या बात है, सबका भविष्य अच्छा लिखना, कोई कंप्लेंट नहीं करेगा। मुत्था सेठ का फोन होगा, उनको कहो मैं कब का निकल चुका हूँ, ठीक है? हाँ। ये सब की क्या जरूरत? आइए आइए सर। अरे कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया ना? नहीं नहीं सर, आइए आइए ना। सावन हाँ। ये अंदर क्या चल रहा है? पूजा सर, एकदम करेक्ट मुहूर्त पर आपने एंट्री मारी। अच्छा, बहुत अच्छा दिन है सर आज का, मंगल दिन, पवित्र दिन। पवित्र मतलब होली, होली डे। आइए आइए। पुलिस थाने में पूजा क्यों? अरे इधर का रिवाज है सर, ट्रेडिशन। आइए ना सर। और एरिया में कुछ हो गया तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं सर, ऊपर देखो भगवान है, अंदर देखिए सर भगवान है। आइए सर भगवान के दर्शन करते हैं। आइए आइए। अरे तू सर, सर अरे तू जाना सर। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः,
देवीं सरस्वतीं चैव ततो जमुदीरयेत सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे विश्वरूपिणी कथारंभं करिष्यामि। अब सबको अपना काम शुरू करने को बोला। सर यहाँ काम का टेंशन लेने का जरूरत नहीं, भगवान है ना, भगवान सब संभालेगा। सर सावंत सबको अपना काम शुरू करने को। हाँ सर, पूजा होने दो। अभी अभी इसी वक्त काम शुरू करने को। लेकिन जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर बंधना, चंदनाची ऊटी कुमकुम केशरा। क्या ये? क्या तुम कहते हो जनपद बदल रहा है? जनपद बदल गया है, जनपद बदल चुका है, पर मुझे तो कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा। जैसा कल था वैसा ही आज है। नहीं नहीं, देखिए ना सर। इसको देख के क्या करूंगा, इसमें तो मुझे अपनी बर्बादी दिखाई दे रही है। और वैसे भी मैं तुम्हारी तरह ज्ञानी आदमी तो हूँ नहीं, अंगूठा छाप आदमी हूँ, घास बेच बेच के आज यहाँ पे पहुँचा हूँ। नहीं देखिए सर, हमने हमने सीरियस आर्टिकल एकदम बंद करवा दिए। हाँ, हल्का फुल्का मटेरियल देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमने अपना स्टाइल एकदम बदल दिया है सर। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हमारा अखबार बिकता क्यों नहीं है? सब क्लाइंट्स भागे जा रहे हैं, सर्कुलेशन जो है वो बढ़ने की बजाय घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। कुलकर्णी एक दिन ऐसा आएगा कि तुम सिर्फ तुम हमारा अखबार पढ़ोगे। नहीं 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 सर, सर्कुलेशन बढ़ने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना सर। 6 महीने से सुन रहा हूँ, वक्त लगता है, वक्त लगता है। कितना? तब तक ना तुम रहोगे ना हम रहेंगे। मैंने तुम्हें अर्जेंटली क्यों बुलाया था? क्यों क्यों क्यों? अब अर्जेंटली आते तो याद आता। तो मैं रुकूं? काम है तो जाओ, याद आएगा तो बुला लूंगा, भाग के आ जाना। ठीक है सर। अरे इसको बंद करो भाई। अरे हाँ, याद आया याद आया याद आया, कुलकर्णी कुलकर्णी इनसे मिलो, ये है देश पांडे। कौन? ज्यादा सवाल पूछोगे तो फिर भूल जाऊंगा। क्या याद आया था? देश पांडे। हाँ देश पांडे, ये देश पांडे हैं, मुंबई से आए हैं। हाँ। और मार्केटिंग के आदमी हैं। हाँ। पता नहीं विदेश में कहीं से पढ़ पढ़ा के आए हैं। कुलकर्णी तुम समझदार हो, अपने विचारों को अपने सिद्धांतों को अपने पास रखो और इनकी बात सुनो। नहीं सर, लेकिन ज्यादा सवाल मत पूछो, काम करो। और सुनो, इनसे हेलो हेलो कर लो। हेलो। शब्बो आजा। दुकान का उद्घाटन हो गया ना? दुकान नहीं शब्बो, स्टूडियो बोल, स्टूडियो। हाँ बाबा, उद्घाटन तो हो गया ना? थोड़ा बाकी है। अब क्या बाकी है? पहले तेरा फोटो निकाल कर भोनी करूंगा, फिर स्टूडियो सबके लिए ओपन हो जाएगा। चल जल्दी भोनी कर। इधर नहीं उधर इम्पाला में बैठ जा फटाक से। चल ओके। अरे शब्बो ये इम्पाला है, हमीद का टांगा नहीं। ए तू बाप पे मत जा प्रशांत। सॉरी शब्बो। शब्बो थोड़ा आराम से बैठ, तू टेंशन मत ले, तू मालकिन है, मालकिन जैसा फैल के बट मस्त एकदम। हाँ। ये बाहर से इम्पाला है, अंदर से क्या है? यहाँ कैसे फैल के बैठू, कीला चुभ रहा है। शब्बो अंदर के अंदर फैलने का, कीला कुछ नहीं करता। और सुन, प्यार करने वालों को कभी खिले चुभते नहीं है। चल डायलॉग मत मार, जल्दी कर फोटो निकाल। ओके चलो। हाँ तूने फोटो निकाला? एकदम ओके। अरे ऐसे कैसे फोटो निकाला? क्यों? हर बड़ा फोटो वाला होता है ना, पहले स्माइल स्माइल ऐसा बोलता है, फिर फोटो निकालता है। तेरे को कुछ आता ही नहीं है शब्बो, कुछ 24 घंटे हंसती तो रहती है, अब अलग से स्माइल क्या बोलने का। चल इधर आ जा, चांद पर बैठ जा, चलो फटाक से। फोटो आएगा ना तब देखना, अगर बम्बई फोटो भेजेंगे ना तो तेरे दरवाजे पर फिल्म वालों की लाइन लग जाएगी, तू बस देखते रहना। और सब लोग तेरे को देखने आएंगे तेरे बाप के टांगे में। इधर को बोला ना एक बार बाप पे मत जा। सॉरी शब्बो, तुझे सैंडल पहन, मैं तेरे लिए लेके आया था, एकदम परी लगेगी परी। अब चांद पे लेट जा मस्त। ओके चल
अब चांद पे फोटो शब्बो का। मुझे डर लग रहा है। क्यों? गिर गई तो? अरे शब्बो, चांद से आदमी नीचे गिरता नहीं, बीचों बीच हवा में लटकता रहता है बस। प्रशांत, तू मेरे को लटकाएगा? अरे मैं तुझे क्यों लटकाऊंगा, मैं तो तेरे से लव करता हूँ, तू तो अपनी हीरोइन है। झूठा। क्या झूठा, तू बस बोल क्या चाहिए तुझे। इस हेलीकॉप्टर में बिठा के तेरे को पूरा वर्ल्ड घुमाओ या फिर ताजमहल तेरे नाम पे करवा दो, तू बस बोल। अब ये चांद पे लेट जा, फोटो निकालेंगे। एक तो मैं तो फोटो खींचवाने आया था ना, दुबई जा रहा हूँ इसलिए। लेकिन यहाँ तो दिन दाड़े लव सीन चल रहा है, हिंदू का लड़का मुसलमान की लड़की, ये तो फिल्म की स्टोरी हो गई। ये फिल्म देख देख के ना तुम लोग का दिमाग खराब हो गया है। अबे साले, तुम लोग हमारी मोहल्ले की लड़कियाँ उठा के लेके जाओगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम तो कवर ही चलेंगे ना। बैठ बैठ, अपने लोगों से अखंडने का नहीं, बैठ ठीक से, फोटो खींच। अब बैग खींचना। अबे फिल्म वही है, स्टोरी सेम है, खाली नकली हीरो की जगह असली हीरो आ गया है। फोटो खींच। अबे खींचना, अबे के लकवा मार गया तेरे कैमरे को अभी। हाँ खींचना, खींचो अभी, खींच, चल खींच। क्या रे, बहुत हीरो बच्चा पार्ट में दिखता। हाँ बोल, क्या दिया? दो पापड़, चना, तीन पापड़। ये हमिद वापस फूल तू ना। कौन है ये हरामी? ए हरामी मत बोल, अरे ये यहाँ का बहुत बड़ा लीडर है, अगर किसी ने सुन लिया ना तो ये लोग हमारी ठोक देंगे। दो दिन पहले साले का हाथ टूटा था, मैंने ही ठोक के फिट किया है। अबे मुंडी पकड़, मुंडी गिर जाएगी। अरे क्या करूँ, जिस तरफ हवा चलती है उसी तरफ साले की मुंडी झुकती है, कभी लेफ्ट कभी राइट कभी सेंटर। मैंने पहले ही बोला था साइज में बना, पर नहीं, और बढ़ा जाइए और बढ़ा जाइए। अब ये हरामी इतना बड़ा हो गया है कि ठीक तरह से खड़ा भी नहीं रह सकता। मैं तो बोलता हूँ पीछे से किला ठोक इसको, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इस साले को पीछे से ठोक, आगे से ठोक, नहीं तो इसके मुंह में ठोक, ये साला गिरने वाला है। अब बोलो तुमको क्या चाहिए? बैन, प्रतिबंध। तुमने किताब पढ़ी है? एक बार नहीं, बार बार पढ़ी है, और हर बार मेरा सर शर्म से झुक गया है। बाहर देखो, तुम्हारे इतिहास को लेकर लोगों में कितना गुस्सा है, देखो। यह सिर्फ मेरा इतिहास नहीं है, तुम्हारा इतिहास भी है। नहीं, हमारा इतिहास ऐसा नहीं है, हमारा इतिहास तो महान है। हमारा इतिहास त्याग बलिदान वीरता का इतिहास है, हमें वो लड़ने की स्फूर्ति देता है, जीने की शक्ति देता है। देखो, मैं इतिहास का संशोधन करता हूं, इतिहास लिखता हूं, मिथ्या नहीं लिखता। हमारे पूर्वजों की दो तीन गलतियों को दिखाने से क्या होगा, गलतियां छुपाने से क्या होगा? प्रोफेसर साहब, अब गड़े हुए मुर्दों को क्यों उखाड़ रहे हो, इतिहास के नाम पर क्यों विष डाल रहे हो? हम सब की भावनाओं को ठेस पहुंचाई आपने। किसी को खुश करने के लिए इतिहास नहीं लिखा जाता। बस बस, बहुत हो चुका। सच हो या झूठ, हमारी बदनामी करने वाले ऐसे बकवास इतिहास को अब सहन नहीं किया जाएगा। हमने समझाया, इसलिए लोग सिर्फ आपकी किताब को जला रहे हैं। जो लोग श्रद्धा के साथ खेलते हैं उनकी निशानी तक मिट जाती है। क्या इस इतिहास में बकवास इतिहास, मुझे तो शर्म आती है। जा रहा है? चौक पे बड़ा एक्सीडेंट हो गया,
तो तू काम छोड़कर कहाँ जा रहा है? काम कौन तेरा बाप करेगा? मतलब मेरे बाप का एक्सीडेंट हो गया। कौन तेरा बाप? हमीद टांगे वाला, वो मर गया। अरे हमीद टांगे वाला, वो तेरा बाप कहाँ से होगा? तेरा बाप तो 18 साल पहले पुलिस फायरिंग में मारा गया था ना। हाँ, फिर मेरी माँ ने हमीद टांगे वाले के साथ दूसरी शादी की थी। तेरी माँ जितनी बार नई शादी करेगी, तू नया बाप लाएगा। जा चाय पी, काम पड़ा है। अरे खड़ा क्यों है यार, मुंह क्या देख रहा है तू? मुझे 400 रुपए चाहिए। 400 रुपया क्यों, क्या करेगा तू? मैयत के लिए। बैंड बजा लगा कर नाचेगा कि तू मैयत में है? चले 500 है पूरे। सुन जल्दी आ। हाँ। जल्दी दफना क्या? आराम से भाई, आराम से, आराम से रखना, संभाल के भाई, संभाल के। क्या हुआ? लाश हमको दे दो। लाश तो कब्र में है। क्यों? क्यों का क्या मतलब? आदमी मर गया तो उसे ऐसे ही तो दफनाया जाता है ना। अरे किसके परमिशन से दफना रहे उसे? परमिशन? हाँ। देखिए, पोस्टमार्टम हुआ, बॉडी मिली, अब दफनाने के लिए और किसकी परमिशन चाहिए? जिसको कब्र में डाला वो कौन है? वो हमीद है। वो हमीद नहीं है। हाँ। हाँ। क्या बात कर रहे हो, वो हमीद नहीं मतलब? आंखें खोलकर देखो, वो हमीद नहीं, वो किशन है। जानवर, ये उसका बेटा है। ए, वो तेरा बाप था क्या? देखिए, मोहल्ले में सब जानते हैं, हमीद इसी मोहल्ले में रहता था। एक मिनट, बॉडी को बाहर निकालो साहब, बॉडी बाहर नहीं जाएगी। अरे देख क्या रहे हो भाई, मिट्टी डालो, फातिया पड़ो, चलो। ए रुको रुको, मिट्टी मत डालो, रुको। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? जाओ ना, जाओ, घर जाओ ना, चलो। क्यों? ये किशन हमारा है और बॉडी पे हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है। छोड़ो रे, किशन हमारा है, निकल बाहर यहाँ से, चलो। फिकर मत करो, चलो। साहब, बॉडी दफनाई गई है, अब वो कब्र के बाहर नहीं निकाली जा सकती। बड़े साहब का ऑर्डर है, बॉडी कब्र से क्या, नरक से भी निकाली जा सकती। लेकिन साहब ये तो गलत होगा। टेंशन नहीं लेने का, निकालो बॉडी। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जी, किशन मेरा बड़ा भाई था, मेरे से 4 साल बड़ा था। वो रहता कहाँ था? मोहल्ले में फातिमा नाम की मुसलमान औरत थी, उसके साथ रहता था। उसका वो तांगा चलाता था। अच्छा, और मोहल्ले में कितने साल से रहता था? जी करीबन 19-20 साल से। हमीद कन्वर्ट हुआ था? नहीं, हमीद नहीं, किशन। किशन? किशन मुसलमान बना था जी। अरे साहब, ये पूछताछ करने की क्या जरूरत है? ये लक्ष्मण कह रहा है ना, उसका सगा भाई था तो था। आप यकीन क्यों नहीं करते हो? अरे सीधे साधे कानून से चलने वाले आदमी के ऊपर आप विश्वास क्यों नहीं करते हो? मोहल्ले के 4 गुंडे आते हैं, उसे दफनाते हैं, आप उनकी तरफ से बात कर रहे हो, गरीबों के पीछे पड़े हो, ये कोई बात हुई क्या? देखिए साहब, ये सब हम चलने नहीं देंगे, समझे? हमारी डिमांड है उसकी बॉडी तुरंत हमारे हवाले कर दी जाए, बस। बात लक्ष्मण और पुलिस के बीच में हो रही है ना, तुम कौन होते? साहब लक्ष्मण के अकेले की बात कहां रही, वो किशन तो हम सबका भाई था, सब हिंदुओं का भाई, तो उसकी बॉडी हमें ही मिलनी चाहिए, समझे? सत्तर, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बावड़ेकर, तू यहां बैठ के आग लगा रहा है? अरे आग तो तुम्हारे लोग लगा रहे हैं, मैं तो पानी डाल के उसे बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ नहीं था, बम्बई गया था सीएम से मिलने, मैं यहाँ होता ना तो ऐसे होने नहीं देता। अरे क्या है साहब, क्या है साहब, अभी अभी आए हो और इस शैतान पे भरोसा कर रहे हो? कब्र में दफनाए हुई बॉडी निकालने की हिम्मत की आपने? खुदा का शुक्र करो, बात अभी तक मोहल्ले में फैली नहीं है। देखो, हमारी इंसल्ट की आपने, हमारी और बाबा की, दोनों की माफी मांगो।
और तुरंत बॉडी लौटा दो बस। तुरंत बॉडी लौटा दो बस। अरे वाह क्या बात है, बॉडी आप लेके जाएंगे, हम क्या मंजिली बजाएंगे? देखो साहब, अभी अभी बॉडी नहीं मिली ना, तो इसके आगे जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार आप होगे। जब तक फैसला नहीं होता हम बॉडी मॉर्ग में रखेंगे। मॉर्ग में क्यों? अरे भाई बॉडी हमारी है, बॉडी का भाई हमारे साथ है, मॉर्ग में क्यों? बॉडी हमें ही मिलनी चाहिए। ठीक है कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाओ, जज को समझाओ बॉडी तुम्हारी है, जाओ। बॉडी हमारी है, हम क्यों कोर्ट में जाए भाई? हाँ हम क्यों कोर्ट में जाए? क्या कोर्ट के धर्म से बड़ा है क्या? देखो सब मैं बोल, अब ये बात समझ में आ गई, तुम इन मुसलमानों को खुश करने के लिए ये निर्णय ले रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम पुलिस वाले और ये मुसलमान दोनों पछताएंगे, बहुत पछताएंगे। सलाम अलैकुम। फिर क्या सोचा तुम लोगों ने? कुछ नहीं। मतलब? हमने कुछ नहीं सोचा। शब्बू के बाप को कब्र से उठा कर ले गए और तुम लोग बोल रहे हो कि अब तक कुछ नहीं सोचा। माँ बोलती है जो हुआ सो हुआ, मरने वाला मर गया, अब जलाओ या दफनाओ, आपस में लड़ने से क्या फायदा, जितनी जल्दी उसकी रूह को शॉक लगने से मरा आदमी सरकार की तरफ से कम 50,000 रुपए मिलेंगे, और तुम लोग ऐसे रोते बैठोगे ना तो सारा पैसा हिंदू खा जाएंगे। कोई नहीं खाएगा, नहीं खाएगा, कोई नहीं खाएगा। तू क्या कर रहे हैं? माँ का पल्लू पकड़ के बैठा शब्बो है ना यहां पर, तू चल चल उठ चल चल ना चल। अनवर तू कहीं नहीं जाएगा, पानी आ गया, पानी आ गया, जल्दी चलो, पानी आ गया, पानी आ गया, चलो चलो हम लोग रात रात आते हैं, चलो 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 पानी आ गया, जल्दी चलो पानी आ गया, उठो पानी गया तो मुझे बहुत जल्दी करो, चलो चलो एक घंटा ही पानी रहता है, एरियाना चलो चल जरा पढ़ के घर आ जा, चलो भाई चलो जल्दी चलो नहीं तो पानी चला जाएगा, रात को आएंगे वापस। वाह रफीक
जबरदस्त फोटो आई है यार। रफीक तुमने इस किताब में क्या लिखा है? नाचने वाली औरतों की कहानी है क्या इसमें? सर एक्चुअली तमाशा में काम करने वाली औरतें जो हैं उनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। रफीक तुम मुसलमान हो, तुम शेरो शरीक हो, ये तमाशा के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? सर मैं 5 साल से तमाशा को लेकर रिसर्च कर रहा हूँ। तुम रिसर्च करने वालों की यही प्रॉब्लम है, जिस फोटो को कवर पे होना चाहिए तुमने उसे अंदर डाल दिया है। कवर कवर पे डालो, ये लो। और एक काम करो, कल से हमारे न्यूज़पेपर में ऐसे हॉट फोटो छापना शुरू कर दो। रफीक हाँ, मैं बाबा देसाई की शोक सभा में जा रहा हूँ, कल की हेडलाइन बाबा देसाई की मृत्यु होगी। सारा मटेरियल तैयार है, बस कुछ रिएक्शंस लेना बाकी है। ओके? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी फ्रंट पेज की न्यूज़ है। मतलब हिंदू तांगे वाला इलेक्ट्रिक शॉक से मर गया और कुछ मुसलमानों ने उसे दफना दिया। ये फ्रंट पेज की न्यूज़ रहेगी? फ्रंट पेज की न्यूज़। और फिर बाबा देसाई की मृत्यु की न्यूज़ छपेगी? फ्रंट पेज पे नहीं। बाबा देसाई स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधी जी के साथ थे, पूरी उम्र देश के लिए दे दी। हाँ ठीक है ठीक है, बाबा देसाई बहुत महान इंसान थे, उनके लिए हमारे दिल में रिस्पेक्ट है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आजकल देशभक्ति का मार्केट नहीं है। देखो मैं समझाता हूँ, बाबा देसाई की उम्र 98 साल थी, वो 8 साल से बीमार थे, बिस्तर पे लेटे हुए थे और मर गए। इसमें न्यूज़ कहाँ है? नो डाउट बाबा देसाई बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन न्यूज़ छोटी है। और ये तांगे वाला आदमी छोटा है लेकिन न्यूज़ बड़ी है। तुम समझो कुलकर्णी, न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, आदमी नहीं। ओके थैंक यू वेरी मच, लेकिन फिर भी तांगे वाले की न्यूज़ फ्रंट पेज पे नहीं छपेगी। अरे ओ कुलकर्णी, ये ईगो छोड़ो, तुम क्या सोचते हो मैं क्या सोचता हूँ कोई मतलब नहीं, लोग क्या पढ़ना चाहते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो मैं मार्केटिंग का आदमी हूँ, मैं एडिटर हूँ, लोग क्या पढ़ेंगे ये मैं डिसाइड करूँगा, समझे? रफीक जी, हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। ए, ये कोर्ट है, यहाँ भाषण मत दो। हमीद मुसलमान था। कोई सबूत है? गांव का बच्चा जानता है। ये बच्चों का खेल नहीं है, कोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है। नहीं नहीं, अरे आदमी पैदा होता है तो सर्टिफिकेट होना जरूरी है ना। किशन गरीब था, गरीब आदमी कहाँ से सर्टिफिकेट लाएगा? अमीर आदमी कहाँ से सर्टिफिकेट लाता है? हाँ, वो सर्टिफिकेट लेके माँ के पेट से पैदा होता है क्या? स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट है। किशन कभी स्कूल में गया नहीं, तो स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट कौन देगा? क्यों नहीं गया स्कूल? गांव में स्कूल नहीं था, मतलब दूसरे गांव में एक स्कूल था। वहाँ क्यों नहीं गया? बीच में बड़ी नदी थी। तैरना क्यों नहीं सीखा? नदी में पानी नहीं था। अरे फिर नदी क्यों बोल रहे हो, मैदान बोलो मैदान। गांव में सब उसको नदी ही बोलते हैं, नदी की पूजा करते हैं नदी में। कोई सबूत है? सबूत पुराणों में सबूत है। अरे ये हमीद पुराणों में कहाँ आ गया? हमीद नहीं, नदी, नदी का पुराणों में सबूत है। अरे इंक्वायरी किसकी चल रही है, हमीद की या नदी की? हमीद की। हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस है? हमीद तांगा चलाता था, तांगा चलाने के लिए घोड़े की जरूरत होती है, लाइसेंस की नहीं। ये रेशन कार्ड है, इस पे नाम लिखा है। किसका? घोड़े का? हमीद का। अरे 20-25 रुपए में बनता है, कार डुप्लीकेट है। साहब हमीद हर जुम्मा मस्जिद में जाता था नमाज पढ़ने के लिए। ये सरासर झूठ है, किशन गणेश जी का भक्त था, हर मंगलवार गणेश जी के दर्शन करने वो मंदिर जाता था, गणपति में सबसे आगे नाचता था। गणपति में नहीं, मुहर्रम में मातम मनाता था वो। साहब किशन गरीब था, बेकार था, मुसलमानों ने उसे शराब पिलाकर भटकाने की कोशिश की, शादी के सपने दिखाए, जन्नत दिखाया, पैसों का लालच दिखाया। आज इनको किशन की याद आई है, वो गरीब था, बेकार था, भूखा रास्ते पर भटक रहा था, तब आपने आपके हिंदू दोस्त की मदद नहीं की, आपने उसके ऊपर सिर्फ जुल्म किए हैं, आपके जुल्मों से तंग आकर ही वो मुसलमान बना था। वो कभी भी मुसलमान नहीं बना था, वो सच्चा हिंदू था। वो मुसलमान बना इसका कोई सबूत है? उसको जुमा मस्जिद में मैंने ही कलमा पढ़ाया था, उसके बाद वो मुसलमान बना और फिर फातिमा से उसका निकाह हुआ, निकाह भी मैंने पढ़ाया था। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ सर्कमसीशन, तुम लोग को सर्कमसीशन उसको क्या बोलते हैं? खतना। हाँ खतना, खतना उसका मेंशन नहीं है।
ये बात सही है कि उम्र की वजह से उसकी खतना नहीं हुई थी। अरे खतना नहीं हुई तो मुसलमान कैसे बना? हमीद की सचमुच खतना नहीं हुई थी, लेकिन इस मामले में सुपारी काटकर खतना की रस्म पूरी की गई। सुपारी कहाँ है? साहब उसको सुपारी खाने की आदत थी। हमीद पैदा हुआ कि नहीं इसका सबूत नहीं, वो मुसलमान बना उसका सबूत नहीं, उसकी शादी हुई उसका सबूत नहीं, नदी में पानी नहीं, खतना नहीं, सुपारी नहीं, मैं कैसे निर्णय दूं? बोलो बोलो ना। हेलो रफीक, रफीक, अरे क्या है ये हा? मेरे कहने के बावजूद ये हेडलाइन बदली कैसे है? अरे एडिटर मैं हूँ या देशपांडे? तुम्हें मेरे ऑर्डर सुनने चाहिए उसके? अरे देशपांडे, देशपांडे, अरे बाढ़ में गया वो देशपांडे। सुनो रफीक, तुम सिर्फ मेरी वजह से यहाँ पे हो, सिर्फ मेरी वजह से है? मुथा सेठ? कौन कौन मुथा सेठ? कौन मुथा सेठ? अरे भाड़ में गए वो भी। एडिटर क्या होता है वो जानते हो? अरे मैं कोई मुथा सेठ का गुलाम नहीं हूं, जेब में हमेशा रेसिग्नेशन लेटर लेकर ही घूमता हूं मैं। क्या? हेलो, हेलो, हाँ क्या क्या मुझे जनपद से हटाने की कोशिश हो रही है? तुम्हें कैसे पता चला? ठीक है, ठीक है रफीक, किसी को कुछ बोलना मत। हाँ तुम्हारी और मेरी फोन पे बात हुई थी, ये भी मत बोलना, समझे क्या? हाँ कम टॉमी, कम कम और बेटा, कम ऑन कम ऑन कम यार बेटा, सिट 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 देयर सिट कुलकर्णी सिट। थैंक यू सर। टॉमी नाउ डोंट मूव, गुड बॉय। नया कुत्ता है, इम्पोर्टेड। इससे पहले दो कुत्ते थे, हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी कुत्ते ट्रेन नहीं होते। दो बार तो कुत्ते ने काट भी लिया था। ये इम्पोर्टेड है, इसको ट्रेन करूंगा मैं। टॉमी सिट दिया सिट। कुलकर्णी, हाँ भाभी जी अस्पताल में थी और हमें पता तक नहीं चला। नहीं अभी ठीक है सर। ये खबर हमें बाहर से पता चली, अच्छा नहीं लगा हमें। भाई उनको भाभी मानते हैं, बहन मानते हैं, सिस्टर मानते हैं, और आप है क्या हमें कुछ मानते ही नहीं? नहीं ऐसी बात नहीं है। कैसी सर? बात नहीं है कुलकर्णी, तुम टेंशन में रहते हो, थक गए हो तुम। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल कैसे नहीं? तुम्हारे चेहरे से साफ लग रहा है, तुम्हें रेस्ट की सख्त जरूरत है। ऐसा करो थोड़े दिन की छुट्टी ले लो, मैं लीव सेंक्शन कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे वो है ना फॉरेन रिटर्न, देशपांडे वो सब संभाल लेगा। देशपांडे क्या संभालेगा सर? यानी उसे क्या मालूम है यहाँ का कल्चर, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री? कुछ नहीं। देखिए आज आज जनपद बिका, क्यों? क्योंकि मैंने रिस्क लेके तांगे वाले का न्यूज फ्रंट पेज पे छपवाया है ना।
देखिए ये लोकल इशू है सर, लोगों को लोकल इशू में ज्यादा इंटरेस्ट है, बाबा देसाई की मृत्यु में नहीं। बाबा देसाई तो हिस्ट्री हो चुके सर। ये सब तुमने किया? हाँ। तभी सुबह से टेलीफोन पे टेलीफोन आए जा रहे हैं बधाई के। सेल्स भी बढ़ गई है। बहुत अच्छा काम किया भाई, मैं तो खुश हो गया। थैंक यू सर। कुल कर रही तुम्हारी स्कूटर है ना, पुरानी हो गई है। स्टार्ट देर से होती है, तब तक खबर पुरानी हो जाती है। और आज हमको चाहिए स्पीड, स्पीड। इसलिए अपनी पुरानी स्कूटर छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए एक गाड़ी का अरेंजमेंट कर देता हूँ। थैंक यू सर। टॉमी, गो नाउ, गो फ्रॉम हियर, गो, डोंट कम, इडियट, यू कैन गो नाउ। हाँ। और सुनो, हाँ, वो भाभी जी के बिल है ना हॉस्पिटल के, वो मेरे अकाउंट डिपार्टमेंट में पहुंचा देना। ओके, थैंक यू सर। टॉमी, कम माय सन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम बैक बेटा, कम ऑन, कम ऑन। सॉरी सॉरी सॉरी। खाना पेपर में तुम्हारी फोटो छिपी है, देखो कितनी खूबसूरत है। लेकिन इसमें तेरे खूबसूरती के बारे में नहीं लिखा है। तो क्या लिखा है? अच्छा है तू इसे पढ़ नहीं सकती। इसमें क्या लिखा है अंबर? लिखा है तू हिंदू तांगे वाले के थी, तू है जादू टोना करने वाली औरत है, तू सारे फसाद की जड़ है। तुझे ये सच लगता है? बोल ना, तुझे सच लगता है? माँ लोग बोलते हैं पेपर में सिर्फ सच बातें छुपती है। अपनी माँ से ज्यादा तुझे इस पेपर पर भरोसा है? माँ लोग बोलते हैं मेरा कोई गांव नहीं, मेरा कोई बाप नहीं, मैं बिना बाप की औलाद हूं। आज मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया है, लोग कहते हैं अब यहां मुझे कोई काम नहीं देगा, और ये सब तेरे चलते हुआ है। बेटा तू मुझे गालियां दे रहा है। मैं जा रहा हूं, मेरा इंतजार मत करना। साहब सच की जीत हो चुकी है, निर्णय हमारे पक्ष में हुआ है। अब देर किस बात की, चार दिन हो गए किशन की मृत्यु को, कितने दिन हिंदुओं के आंसुओं को रोक कर रखेंगे हम? चलो बॉडी दे दो, चलो। आप लोगों को जल्दी किस बात की है? क्यों, कोर्ट का फैसला सुना नहीं आपने? सुना, आज आप बॉडी ले जाएंगे, शमशान में ले जाके उसे जलाएंगे। कल के दिन बड़े कोर्ट में फैसला मुसलमानों के हक में हुआ, तो उन्हें दफनाने के लिए कौन सी बॉडी देंगे? अच्छा, आपको मुसलमानों की फिक्र है, हिंदुओं की कोई कीमत नहीं है? देखो साहब, इस देश में कोर्ट से बढ़कर कोई नहीं है, और कोर्ट का ऑर्डर है हमारी बॉडी हमको दे दो। नहीं नहीं साहब, ये कोर्ट का फैसला हमको मंजूर नहीं है। सतर भाई ऊपर की कोर्ट तक गए, और उधर भी जाकर तुम लोगों ने कुछ अंदर के अंदर लफड़ा किया ना, तो हम लोग लड़ेंगे, हमें जहां जाना जाएंगे हम लोग, लेकिन हमारी बॉडी नहीं देंगे साहब। जाना जिधर जाना है उधर जाना, चल। लेकिन सुन, हम हमारी बॉडी लेकर जा रहे हैं साहब, अगर हमारी बॉडी हमें नहीं मिली ना, तो याद रखना इस सबको कब्र में दफना देंगे, ये सब आ जाएंगे हमारी कब्र में, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है हमारा, वही फेमस है। हाँ, बहुत हो गया, बहुत हो गया, आप सब भर जाएंगे यहां से, बॉडी मॉर्ग में रहेगी, आउट। अरे जो बॉडी से टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। चल अरे, तुम लोग क्या मिलाओगे हमको मिट्टी में? हम लोग डालेंगे तुम्हारी मिट्टी में। चल निकल, हमारी बॉडी है साहब, हमारी बॉडी हम नहीं देंगे, हमारी बॉडी हम नहीं देंगे, हमारी बॉडी है साहब। हां
साहब, हमारी बॉडी है साहब, हम नहीं देंगे, हमारी बॉडी है वो। बहुत बड़ा लीडर बन गए रे तू, पुलिस को धमकाता है, पुलिस के सामने जोर से बात करता है, भड़वे कटेली तेरी तो साला। अंदर डालो क्या बॉडी में, डालो क्या बॉडी के साथ मॉर्ग में। गाड़ी निकल, गाड़ी निकल। बोलता क्यों नहीं? क्या बोलूं? गलती कर दी मैंने, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जानता है कितने बहाने बना के चोरी छुपे यहाँ आई हूँ मैं। थैंक यू शब्बू। मैं यहाँ चुप बैठने नहीं आई। तो तू बोल। मैं नहीं बोलूंगी। तो फिर झगड़ा कर, चल। झगड़ा मतलब मैं झगड़ा करने आती हूँ? हमेशा मैं ही झगड़ा करती हूँ, मैं ही खराब हूँ, मैं ही झगड़ा लूँ। बस अब मैं तुझसे मिलने नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आएगी? तू अंधा हो गया है क्या? तुझे कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। क्या हुआ? गांव में दो पार्टियों का झगड़ा चल रहा है। तो उससे हमारा क्या लेना देना? हमारे लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि मैं दूसरी पार्टी के लोगों से चुप चुप के मिलती हूँ। दूसरी पार्टी मतलब? तुम लोगों की पार्टी। ये क्या है शब्बू, मैं दूसरी पार्टी का कब से बन गया? तो फिर कौन है तू, कौन सी पार्टी का है? शब्बू मैं इस पार्टी का भी नहीं और उस पार्टी का भी नहीं, मेरी अपनी तीसरी पार्टी है। तीसरी पार्टी? ये क्या शब्बू? प्यार करने वालों की पार्टी। देख, हम लड़ते झगड़ते हैं लेकिन प्यार से। हम करीब आने के लिए झगड़ते हैं, दूर जाने के लिए नहीं। सच? तू डायलॉग तो नहीं मार रहा है? तेरी कसम। अच्छा प्रशांत, मुझे अपनी पार्टी में लेगा? फ्री एंट्री नहीं है। मेरे पर्स तो खाली है। पर्स नहीं शब्बू, दिल, दिल भरा हुआ होना चाहिए बस। शब्बू जिंदगी भर साथ रहेगी। चल अभी इसी वक्त चल। कहाँ? यहाँ से दूर, यहाँ मेरा दम घुटता है। चल मुझे ले चल। अभी नहीं। देख तू पीछे हट रहा है। मैं पीछे नहीं हटूंगा शब्बू, सही वक्त पर तुझे लेने आऊंगा। और ऐसे चोरी छुपे नहीं, बैंड बाजा बारात लेके तेरे घर पर आऊंगा। अच्छा सुन, मैं ना तेरे लिए मेले से एक अंगूठी लाई हूँ। हंसना मत, सस्ती वाली है, पर ना जादुई अंगूठी है ये। अंगूठी? जादुई अंगूठी? इसे पहनने से क्या होगा? तू पहन के तो देख एक बार, मुसीबत में काम आएगी। मोहल्ले का हुआ तो क्या हुआ? हाँ, दिखा अपनी मर्दानगी। क्या कर रहा था तू यार, क्या कर रहा था? रामी गुंडा बनेगा, गुंडा बनेगा तू, ये घर जलाएगा। और कौन था तेरे साथ? मार, जोर से मार। और कौन था तेरे साथ?
मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सोचा कभी, गौर किया इस बात पे कि क्यों हो रहा है ऐसा मुसलमानों के साथ? क्योंकि गांव में मस्जिदें खाली पड़ी हैं, नमाज के वक्त मस्जिद में कोई दिखाई नहीं देता। मुसलमान अल्लाह को भूल गए, नमाज रोजा भूल गए हैं, मजहब को भूल गए, भटक गए मुसलमान, भटक गए। मुसलमान औरतें बेपर्दा घूम रही हैं। हाँ, अरे मुसलमानों की कुर्बानियों को याद करो। क्या थे मुसलमान और क्या हो गए, क्या हो गए? मुसलमानों की बस्ती में, मुसलमानों के घरों में गाना बजाना नाच हो रहा है। गाने वाले मुसलमान, बजाने वाले मुसलमान, नाचने वाले मुसलमान, देखने वाले मुसलमान, शराब पी रहे मुसलमान, शराब बेच रहे मुसलमान, कयामत, कयामत की निशानी है ये, कयामत की निशानी। जो मैदान में गाजी और मस्जिद में नमाजी होता है, वो होता है सच्चा मुसलमान, वो होता है। ईमान वालों, अपने आप को बचा के रखो, उनके दिलों में दहशत पैदा करो, जो अल्लाह के दुश्मन हैं, जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जंग करो, जिहाद करो। मौलाना साहब, यहाँ की जिंदगी को बेहतर बनाने की बातें बोलो, क्यों यहाँ की बातों को तोड़ मरोड़ कर इन मासूम लोगों को भटका रहे हो? अरे जो मजहब इंसानियत, अमन, गरीब और कमजोर के हक की बात करता है, उसका यह हाल कर रहे हो? आपको जरा भी शर्म नहीं आती? ये दरगाह और मजार पे माथा टेकने वाले को निकालो बाहर। बाहर निकालो से। ये ऐसे लोग इस्लाम के दुश्मन हैं। ये दुश्मन जामन की बात करता है। निकालो बाहर से। अरे बात तो सुन, चुप रे, चुप। ज्यादा शाना मत बन। तू उधर रहता ना हिंदू की बस्ती में, उधर रहता ना, तू उधर रहे, हमें अक्ल मत सिखा। सत्तर भाई, जब फसाद होते हैं ना, हाँ। तो अपने ही मोहल्ले में आता है जान बचाने के लिए। डरपोक साला। इस्लाम जो है वो क्या रे? इस्लाम इस्लाम चल रहा है तेरा? तेरे को क्या मालूम इस्लाम क्या चीज है? और तेरा क्या वास्ता है मुसलमानों से? चल निकल। अरे सुन, निकल ऐसे, जर्नलिस्ट, निकल इसको बाहर। इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन ऐसे ही मुसलमान है। ऐसे अमन की बात करते हैं, डराते हैं दुश्मन से अमन की बातें। अल्लाह ताला आप सबको जन्नत नसीब करे। आज से कोई सिनेमा नहीं देखेगा, कोई टीवी नहीं देखेगा, औरतें बिना बुरके के घर से बाहर नहीं निकलेंगी, लड़कियां गैर मुस्लिम स्कूलों में नहीं पढ़ सकती हैं, ना कोई गाएगा, ना कोई बजाएगा, ना कोई नाचेगा। ये मेरी बातें आप अपने जहन में बिठा लीजिए। यहां से बाहर निकलकर इन बातों को हजम करके टकार मत लीजिएगा। रफीक, तुम उन लोगों के खिलाफ ये सब लिखना छोड़ दो। मैं लिखना छोड़ दूं? सच बोलना छोड़ दूं? फिर मेरे जीने का मतलब क्या है? Thank you.
कालिया, कालिया, कालिया। सर, जल्दी से जल्दी किसी अवलदार को भेजो। क्या हुआ? अरे वो मॉर्ग के बाहर। अरे क्या मॉर्ग के बाहर क्या हुआ? देखो बंदोबस्त के लिए कवलदार कड़ा था। हाँ? वो भाग गया। अरे भागने गया, मूतने गया होगा। देखो उधर। अरे नहीं, हमारे आंखों के सामने कड़ा था। और छोड़ दो मुझे। आंखों के सामने कड़ा है। पीछे मत आना। अरे अब तो क्या करने का क्या अभी? वो हमीद का भूत हवालदार को इधर उधर नच रहे। वो हमीद का भूत को तड़प रही है। उसे बाहर निकालो। छोड़ो मुझे। देखो नजदीक नहीं आना। कपड़ा उतार रहे सर। मैं टांगे वाला हूँ। अंदर मेरी आंख में तड़प रही है। उसे बाहर निकालो। क्या देखना पड़ेगा? गांव को उजाड़ दूंगा। अरे छट्टा हवालदार भाग गया है। अरे अब बॉडी के पास देखो, वो हमीद का भूत है ना उधर, इसलिए उधर ड्यूटी करने को कोई तैयारी नहीं। छोड़ो मुझे, मेरे पीछे मत आना। छोड़ो मेरे पीछे मत आना। अरे वो दरगाह में ऐसे ही ऑलरेडी पांच पांच हवलदार भूत उतारने में लगे हुए हैं। आपको मैं इन्फॉर्म कर रही हूँ, आपका ड्यूटी बनता है ना। अरे नया हवलदार कहाँ से लाऊं मैं? मेरे को पकड़ के मत रखो, बाहर निकालो, नहीं तो मैं पूरे गांव को उजाड़ दूंगा। एक स्ट्रांग हवलदार लेके आओ। अरे क्या है यार? छोड़ो मुझे, जाने दो, जाने दो, जाने दो मुझे। अरे मैं कब से बुला रहा हूँ, रफीक कहाँ है? रफीक आया नहीं है। हेलो, तुम्हारा फोन। हेलो, देखो सुबह से 50 बार मैं ये खबर सुन चुका हूँ। सच झूठ मुझे नहीं पता, तुम जाके पुलिस से पूछो। सर मैं तो तंग आ गया हूँ। क्या हुआ? आज सुबह से गांव में खबर फैल गई है। एक हवलदार मॉर्ग के बाहर अपनी ड्यूटी कर रहा था, अचानक उस पर हमीद का भूत सवार हो गया। डर के मारे हवलदार वहां से भाग गया। मॉर्ग के बाहर कोई नहीं है ऐसा देख कर मुसलमान लोग अंदर गए और हमीद की बॉडी लेकर भाग गए। इंटरेस्टिंग, आगे क्या हुआ? मुसलमानों ने हमीद की बॉडी को दफनाया और डुप्लीकेट बॉडी मॉर्ग के अंदर रख दी। ऐसी अफवाह पूरे गांव में फैल गई है। यह सच भी तो हो सकता है। ये न्यूज कल फ्रंट पेज पे छपेगी, जाओ। कुलकर्णी, ये न्यूज नहीं अफवाह है, ये सच भी तो हो सकता है। कल अगर ये न्यूज झूठ निकली तो? क्षमा मांग लेंगे, सॉरी बोल देंगे। कुलकर्णी, इसके परिणाम के बारे में सोचा है? कल अगर लोगों ने इसे सच मान लिया तो दंगे फैल सकते हैं। देखो, दंगे रोकने का काम न्यूज़पेपर का नहीं है, उसके लिए सरकार है, पुलिस है, मिलिट्री है। जाओ, तुम जाओ। ए, रुको। ए, मैं ये अफवाह नहीं छपने दूंगा। देश पांडे, मैं एडिटर हूं। मैं मूथा सेठ से तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? हाँ, छपने दो ना ये न्यूज को। जाओ। किशन की बॉडी दे दो। क्या चाहिए? बॉडी चाहिए? नहीं नहीं, बॉडी नहीं। अरे बॉडी क्या है? बॉडी रुक जाओ। बॉडी इधर लाओ। ये बॉडी, बॉडी, अरे ये बॉडी। अरे तुम्हारे सामने से बॉडी लेके कौन ले गया बॉडी? क्या कहते हैं? अरे किशन बंद करिए। अरे बॉडी यहाँ नहीं है, बॉडी नहीं है यहाँ पे, बॉडी मॉल में। चलो जल्दी, ज्यादा कपड़े लेने की जरूरत नहीं है। हाँ पता है, फिर भी ज्यादा लंबा रहना पड़े तो रहने दो। हमेशा के लिए घर छोड़ के थोड़े जा रहे, दो चार दिनों में मामला ठंडा हो जाएगा, वापस फिर भी रहने दो, फसाद लंबे चले तो। ये क्या है? ये अब छोड़ दो, गाड़ी छूट जाएगी। लेकिन तो चलो चलो छोड़ो।
तुमने मेरा नॉवेल तो बैग में पैक किया ना? छूट गया मतलब? मतलब वही रह गया टेबल पर। लेकिन मेरे पास उसकी कॉपी भी नहीं है। चलो ड्राइवर को बोलते हैं। दो चार दिनों में फसाद ठंडे हो जाएंगे ना, फिर वापस घर ही तो आना है हमें। लेकिन बस रहने दो अभी, छोड़ो। पांडू कोई मामूली आदमी नहीं था। ऐसे महात्मा को समझने के लिए वक्त लगता है। पुलिस ने उसे चोर समझकर अंदर डाल दिया था, पर चमत्कार देखिए, बीड़िया टूट गई, सलाखे पिघल गई, कस्टडी की दीवारें टूट गई और पांडू बाहर आ गया। पांडू ने धर्म की रक्षा करने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया था। पांडू धर्म की सेवा करते करते मरा है। पांडू ने धर्म की रक्षा के लिए अग्नि में अपनी आहुति दे दी है। हम इस गांव में पांडू का बड़ा स्मारक बनाएंगे। हम इस गांव में पांडू का भव्य स्मारक बनाएंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा पांडू तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा धर्मांतर के खिलाफ लड़ते लड़ते वो हुतात्मा हो गया, किसान अमर हो गया। और जब तक हमें किसान की बाड़ी नहीं मिलती तब तक इन्होंने ये फैसला किया है कि ये यहाँ भूख हड़ताल करेंगे, अपनी जान दे देंगे। गली गली में जीरो है, किसान हमारा हीरो है। गली गली में जीरो है, हीरो है। नहीं बंगला नहीं गाड़ी, हमको दे दो किसन की बाड़ी। आगे चले है चाचा, बैठ जा, देखो हाल से बोलना पड़ेगा क्या। बैठ जाना है, अरे बैठ जा, बैठ जाओ चाचा, बैठ जाओ, शांति से बैठो। हाँ, ताली ताली। मैं दुखी हूँ, सचमुच दुखी हूँ। सत्तार, ये भाषण देने का टाइम नहीं है। हमीद की मृत्यु हो गई, हमीद अल्लाह को प्यारा हो गया,
और अब उस बात का इशू बनाकर मुसलमानों को दबाया जा रहा है। पर हम आपके साथ हैं, आप पर यह न्याय नहीं होने देंगे। मुझ पर मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैंने हमीद को मारा। मौत की पॉलिटिक्स। हमीद मेरे कटआउट के नीचे दबकर मर गया, पर सच्चाई तो यह है कि हमीद सरकार की लापरवाही के कारण मरा है। हमीद बिजली का झटका लगने के कारण मरा है। और इसलिए हमारी डिमांड है कि हमीद के बेटे को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी दी जाए, हमीद के परिवार को 50,000 रुपए हर्जाना दिया जाए, और दरगाह गली को हमीद का नाम दिया जाए। तालियां। दोस्तों, आवाज टूट रही है पर हौसला नहीं टूटा है। मैं आपके सामने बाबा के सामने बोल रहा हूं कि इस मोहल्ले में हमीद के नाम का मदरसा खुलेगा, और वो मदरसा मैं खुद बनाऊंगा, उसकी पहली ईंट मैं लगाऊंगा। मोहल्ले का बच्चा बच्चा उसी मदरसे में पढ़ेगा। नहीं चाहिए ये अंग्रेजी शिक्षा, नहीं चाहिए ये शैतानी तालीम। ये कोई भाषण देने का टाइम नहीं है। बिरयानी भाई लोग बोलो, बुद्धा सेठ हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बुद्धा सेठ, हैप्पी बर्थडे बुद्धा सेठ, हैप्पी हैप्पी बर्थडे बुद्धा सेठ, हैप्पी हैप्पी बर्थडे बुद्धा सेठ। धीरे धीरे सबको मिलेगी, धीरे धीरे एक एक चल चल। हैप्पी बर्थडे बुद्धा सेठ, हैप्पी बर्थडे बुद्धा सेठ। आदरणीय जिलाधिकारी चांदा, उनके आदेश अनुसार सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए शाम 7 बजे से 8 बजे तक किया गया है 5 या 5 से ज्यादा लोगों को सार्वजनिक स्थान पर हथियार, भाले, तलवार, डंडे, सर। मैं जा सकता हूँ सर? कहाँ जाओगे रात में, यही रुको। माँ घर पर अकेली है, रात भर सोएगी नहीं, फिक्र करती रहेगी। और सर, माँ की दवाई भी मेरे पास ही है। वो मैंने जो दवा दी थी उससे कुछ फर्क पड़ा? खांसी कम है सर। अच्छा, देखो संभल के जाओ जी, रास्ते में अंधेरा है, ये लो। और सुनो जी, अब 2-4 दिन मत आना, अपनी मां का ख्याल रखो। ठीक है, ठीक है।
सर बचा। ये तो सरासर नाइंसाफी होगी। इस देश में मुसलमानों को कोई है ही नहीं। ऐसे ही छोड़ने वाला, ऐसे ही जो क्या है। मैंने बोला था लेकिन किसी ने मेरी बात देखो नहीं। देखो बादशाह, हम लोग सोच रहे ना, बड़े लोग बात कर रहे हैं ना। सोच रहे? अरे, अरे क्या किया बड़े लोगों ने सोचकर आज तक? बच्चों, मुसलमानों को बर्बाद किया सत्तर भाई। अरे चुप बैठो। नहीं चुप बैठेंगे हम लोग। देखो नहीं चुप बैठेंगे, मेरी बात। क्यों चुप बैठे हम लोग? क्यों चुप बैठे? क्या मांग रहे थे मुसलमान? घर तो नहीं मांग रहे थे ना, नौकरी नहीं मांग रहे थे, स्कूल नहीं मांग रहे थे, किसी के सामने पैसे के लिए हाथ तो नहीं फैला रहे थे ना, अपनी बॉडी मांग रहे थे सत्तर भाई। और क्या किया तुम्हारी पुलिस वालों ने? मोहल्लों में कर्फ्यू लगाकर हम लोग को अंदर कर दिया। मुसलमान घर के बाहर निकलेगा तो गोली खाकर मरेगा, घर में बैठेगा तो भूखे मरेगा। ऐसी हालत है आज हमारी सत्तार भाई। अब बस, अब हम लोग को तुम्हारी, तुम्हारे पुलिस की, तुम्हारे सरकार की और तुम्हारी स्कॉर्ट की और वो बुड्ढे मुतासिर की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। देखो गलत सोच रहे हो बादशाह तुम। ऐसे में तो कहाँ जा रही है शब्बो? अनवर का पता लगाने। सच बता तू कहाँ जा रही है? पुलिस स्टेशन। चल मैं भी चलती हूँ। नहीं 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 माँ, तू मेरे साथ नहीं आ सकती। क्यों? माँ वो फतवा निकला ना, तो अब औरतें बिना बुरखे के बाहर नहीं जा सकती। और हमारे घर में तो ये एक ही बुरखा है। अच्छा देख शब्बो, किसी की बातों में मत आना और रास्ते में कोई पुकारेगा तो पलट के मत देखना, ठीक है? ठीक है माँ। शांत हो शब्बो। तू कहाँ थी शब्बो? मैं तुझे ढूंढ रहा था, मैंने गांव का कोना कोना छान मारा पर तू नहीं मिली। तू पार्टी बदल कर क्यों घूम रहा है? मैं भेष बदल कर तुझसे मिलने तेरे घर आने वाला था शब्बो। मैं गला फाड़ फाड़ कर पुकार रहा था, तू रुकी क्यों नहीं? कोई पुकारता है तो मेरा कलेजा कांपता है, डर लगता है मुझे। मुझसे डर लगता है? हाँ से डर लगता है, अपनों से बहुत ज्यादा। तू मुझसे नफरत करता है ना? क्यों? क्योंकि उन लोगों ने तेरी दुकान जला दी। सिर्फ मेरी दुकान कहाँ, तेरा चांद भी तो जल गया। अब मुझे जाना चाहिए। कहाँ जाएगी शब्बू? पुलिस स्टेशन, अनवर को ढूंढने। शब्बू सच बता, तू मुझसे मिलने बाहर निकली थी ना? Ha 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 ha
ये क्या है शब्बो, तू स्माइल क्यों नहीं करती? स्माइल करना, स्माइल। विजय यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है, सब कुछ फाइनल हो चुका है, रूट्स भी तय हो चुके हैं, अब इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। देखो टांगे वाले टांगे वाला मत कहिए सर, सॉरी हमीद, किशन, 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 किशन का जो घर है, एक्सक्यूज मी, एक बार आप कोर्ट का जजमेंट जरा पढ़िए, अगर किशन को हमीद नाम से पुकारेंगे तो कोर्ट का अपमान हो सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आपकी ये शव यात्रा जो है वो शव यात्रा नहीं, विजय यात्रा। तो हमारे इस विजय यात्रा की शुरुआत हम पार्टी के मुख्य कार्यालय से कर रहे हैं। अच्छा। चौक बाजार पेट में से होकर वो मस्जिद की ओर बढ़ेगी, उसके बाद मोहल्ले से होकर वो शमशान घाट की तरफ जाएगी। मोहल्ले में जाने की क्या जरूरत है? मोहल्ला हिंदुस्तान में ही तो है ना। मगर सीधा रास्ता छोड़कर ये बड़ा चक्कर लेने की क्या जरूरत है? मुस्लिम एरिया में जाने के लिए पासपोर्ट लगता है क्या? देखो हम सर 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 यहाँ करिए आवाज़ है सर, हर शव यात्रा मोहल्ले से गुजरती, परमिशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं सर। सीधे रास्ते की परमिशन मांगने के लिए हम नहीं आए हैं, हम तो आपको इनवाइट करने के लिए आए हैं, विजय यात्रा का आमंत्रण देने के लिए, तो जरूर पधारिए। और जाते जाते एक छोटा सा सुझाव, इस विजय यात्रा को रोकने की कोशिश मत कीजिए। नमस्कार। इस इलाके को दंगों की आदत है सर, यहां साल दो साल बाद दंगे होते ही है। दंगे शुरू होते हैं, लोग खून करते हैं, मारा मारी करते हैं, एक दूसरे का घर जलाते हैं, एक दूसरे को लूटते हैं, अपने अंदर का सारा गुस्सा सर बाहर निकालते हैं, दो चार दिन के बाद सब शांत हो जाते हैं, पुलिस को कुछ नहीं करने का सर। सावंत यात्रा का चार्ज तुम्हारे हाथ में सर, कल मेरे मेडिकल टेस्ट है सर। यात्रा हो जाने दो, यात्रा हो जाने दो, फिर तुम लीपे जाना, चलो तैयार करो। चलो सर। सर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। मार अबे, ठीक से मारना, चल मार, मारना, मार और मार। तुझे डर लगता है? तुझे डर नहीं लगता माँ? नहीं, किस बात का डर? फसाद से क्या डरना, और मुझे कौन क्या डराएगा, आदत सी हो गई। कुछ साल पहले ऐसे पुलिस फायरिंग में अनवर का बाप मर गया था, तेरे बाप के साथ ये सब तमाशा हुआ। वो मरा, पूरे गांव को आग लगा कर मरा। एक अनवर था जिस पर आस लगा कर बैठी थी,
वो आसरा भी टूट गया। अब अगले फसाद में मेरे पास देने के लिए बच्चा ही क्या है? मुझसे कोई क्या छीन कर ले जाएगा? अनवर, वो कहां चला गया? अल्लाह को मालूम। बस मैं इतना जानती हूं कि अब वो लौट कर नहीं आएगा। आप तो गुस्सा करेगी, पर मैं एक बात पूछना चाहती हूं। पूछूं? पूछ। वो मैं और प्रशांत ना भागकर शादी करने वाले थे, बंबई जाकर एक नया घर बसाना था। कितने ख्वाब देखे थे, माँ मैं सोती हूँ पर नींद नहीं आती, और ख्वाब भी नहीं आते। तू हाँ बोलती ना? किस बात के लिए? मेरी और प्रशांत की शादी के लिए। नहीं। क्यों? वो हिंदू था। अगर मैं भाग जाती तो मैं तुझे नहीं रोकती। सच? मां तुझे रिश्ता मंजूर था? तुझे सच में रिश्ता मंजूर था मां? हाँ बेटा, बेटा आज नहीं, बेटा बेटा आज पापा बहुत थके हुए हैं। कहानी मैं तुम्हें कल सुनाऊंगा, प्रॉमिस। आई प्रॉमिस यू बेटा, आई प्रॉमिस यू। लंबी कहानी, इतनी लंबी कहानी कि जब तक तुम सोती नहीं कहानी खत्म ही नहीं होगी। इस गांव की कहानी सुनाऊंगा। गांव में समंदर है, मछलियां हैं समंदर में, मगरमच्छ है, जलपरिया भी हैं, और क्या है इस गांव में? मेला लगा है बेटा, इस गांव में मेला लगा है। दूर दूर से लोग आते हैं मेले में, खुशियां मनाते हैं, और फिर जाते जाते अपनी बिटिया के लिए एक गुड़िया लेके जाते हैं। खरीदूंगा ना बेटा तुम्हारे लिए, तुम्हें एक स्पेशल गाने वाली गुड़िया खरीदूंगा। अच्छा बेटा, बेटा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके ओके, बाय बाय। सर आप खुद चले आए, मुझे बोलते मैं चला था। ये तुमने क्या किया? क्या किया सर? तुमने बॉडी बॉडीगर को दे दी और शव यात्रा निकालने के लिए परमिशन भी दे दी। सुबह जब शव यात्रा निकलेगी तब क्या होगा? क्या? लोग मारे जाएंगे, घर जलाए जाएंगे, तबाही मचेगी, और इसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम। इसमें मैं क्या कर सकता हूं सर, आप बताइए मैं क्या कर सकता हूं? कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, निर्णय हिंदुओं के पक्ष में। कोर्ट का ऑर्डर मैंने भी पढ़ा है, उसमें साफ कहा है किशन के भाई लक्ष्मण को ही बॉडी दी जाए। एक ही बात है? एक नहीं, एक नहीं। लक्ष्मण अलग बिरादरी का है, छोटी जाति का है, उसका कल्चर, उसके रीति रिवाज सब अलग है। लक्ष्मण को ही बॉडी मिलनी चाहिए। लक्ष्मण है कहाँ? लक्ष्मण है कहाँ? उसको डरा पिटाकर चुप किया गया है। मैं लक्ष्मण की तरफ से आया हूं। सर अब बहुत देर हो गई है, मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। सॉल्व नहीं, सॉल्व नहीं, तुमने प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट किया है। जब ये बात देश के और हिस्सों में पहुंचेगी तब क्या होगा? जहां 5 मरने वाले हैं वहां 500,000 मारे जाएंगे। कल सुबह मैं तुम्हारे विरुद्ध
कोर्ट में जा रहा हूं फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है सर, आप जाइए, आपको जो करना है आप कीजिए, अब बहुत हो गया है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं इसलिए गुड नाइट सर, प्लीज गुड नाइट। जब तक सूरज चांद रहेगा आपके नाम तो अरे स्टूडेंट है, आपको कौन से चलना हो? मुझे अरेस्ट करोगे यार? अरे वो लोगों ने हमें मारा है, हमें पीटा है, हमारे घर लूटे, हमारे घर चलाए। अरे उन शैतानों ने तबाही मचाई रखी है और तुम मुझे अरेस्ट करोगे? कौन से बात कर रहे हो? कौन से बात कर रहे हो? जाके उन शैतानों को अरेस्ट करो, बात करो। लाइन सब ये बोल देता हूं, ये लाइन सब ये। आज रात पर यही हवन करते रहो? क्यों? प्रोसेशन में लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरे पास तो अरेस्ट वारंट है, मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, पूरे गांव में अंगार लग जाएगी, खून की नदियां बहेगी, उन लोगों का एक भी आदमी गांव में नहीं बचेगा, समझे? बावड़ेकर, यू आर अंडर अरेस्ट। चलो आओ आओ विश्वास राव, बंदोबस्त पे नहीं हूं आज, कोई प्रॉब्लम? मूथा सेठ जी, मैं चाहता हूं कि आज आप घर से बाहर कदम ना रखें। अरेस्ट करने आए हो? हाउस अरेस्ट? मैं तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करता हूं विश्वास राव, आग कहाँ लगी है, पानी कहाँ डाल रहे हो? मैं तो नियमों के अनुसार काम कर रहा हूं। नियम अनुसार? सारा तुम रिजर्व कैटेगरी में अफसर क्या बन गए? हम पे रौब झाड़ रहे हो, हमको नियम समझाओगे? हमको? अभी होम मिनिस्टर को फोन लगाता हूं, बोलता हूं तुमको नियम समझाए, सिर्फ फोन पे समझा देगा सारे नियम? आप धमकी दे रहे हैं मुझे? ए! किसके सामने बात कर रहा है तू? एक मिनट में तेरी मस्ती उतार दूंगा। इस गांव से उठा के किसी जंगल में भिगवा दिया ना तो भूल जाएगा सारे नियम, सड़ता रहेगा सारी जिंदगी भर। फोन दे। उसकी कोई जरूरत नहीं है, सारे फोन लाइंस आज रात तक डाउन है। होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जिसको भी फोन करना है कल कीजिएगा। और आज इस घर से बाहर कदम रखने की कोशिश भी मत कीजिए। पकड़ इसे! Thank you.
बात ध्यान से सुनिए। कोर्ट के फैसले के मुताबिक किशन की बॉडी उसके भाई लक्ष्मण को दी जाएगी। लक्ष्मण हमारे साथ है और अब पुलिस बॉडी लक्ष्मण के हवाले करेगी। जहां तक आपकी यात्रा का सवाल है, ये यात्रा अब यहीं पर समाप्त होती है। इसलिए मेरा निवेदन है आप सबसे कि अगले आधे घंटे में आप सब यहां से चले जाइए, क्योंकि दो घंटे के बाद यहां पर शूट एट साइट ऑर्डर लागू किया जाएगा और ये शूट एट साइट ऑर्डर आज रात तक चलेगा। धन्यवाद। ये कर क्या रहे हैं लोग? दफना रहे हैं लाश को। मगर दफना क्यों रहे हैं? इस जाति में दफनाने का ही रिवाज है, जलाया नहीं जाता। मगर दफना तो मुसलमान भी रहे थे, जब दफनाना ही था तो ये सारा तमाशा क्यों हुआ? तुमने मेरी नई किताब पढ़ी? वो तो पढ़ने से पहले ही बैन हो गई। हाँ, उन्होंने सारी कॉपी जला दी। फिर भी मैंने एक बचा के रखी है, तुम्हें दूंगा। शायद उसको पढ़ने के बाद तुम्हें जवाब मिल जाए। आइए चलिए। टांडा मुख्यालय ग्राउंड पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। सभी भाई बहनों सर, सर, गड़बड़ हो गया सर। अब क्या हुआ? सर यहाँ का नाम चांदा है। हाँ तो आप गलती से चांदा में आ गए। मतलब? सर एक्चुअली आपका ट्रांसफर बांदा में हुआ है, लेकिन वो टाइपिस्ट ने थोड़ा मिस्टेक किया सर, ABCD, तो आप चांदा में आ गए। अच्छा, तुमको किसने बताया? सर अभी भी ऊपर से फोन आया था सर, आपका नया ट्रांसफर लेटर भी रेडी है। इसका मतलब मैं 10 दिन से गलत जगह पे काम कर रहा था। बुरा मत मानना सर, अगर आपने भगवान का आशीर्वाद लिया होता ना, ये सब लफड़ा होता ही नहीं। मैं से निकलता हूँ, नए साहब को रिसीव करने जेट्टी पे जाना है। हाँ सर, नया काम शुरू करने से पहले एक बार पूजा कर लो सर, प्लीज। अरे आओ रफीक भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मुन्ना चाय बोल रहे? चाय पियो, बैठो। फिर रफीक भाई क्या सोचा, मोहल्ले में घर लेने का इरादा पक्का हुआ कि नहीं? अब ज्यादा सोचो मत वरना मोहल्ले में घर नहीं मिलेगा। पक्का समझो आप? अच्छा है, वो मैंने बात कर ली रसूल भाई से, वो लोग घर छोड़कर जा रहे हैं सऊदी। अच्छा घर है, मस्जिद के पीछे आजान सुनाई देती है, और क्या चाहिए, है कि नहीं? चाय पियो, ठंडी हो जाएगी, चाय पियो। बोलो ना। कालिया गांव छोड़कर भाग गया साहब। भाग गया? हाँ। तो फिर ये कौन है? देखो मैं फॉरेन कालिया लेकर आया हूँ सर। फॉरेन कालिया? वैसे मैं भी गांव छोड़ के जा रहा हूँ। क्यों सर? बहुत लंबी कहानी है सर। मेरा क्या होगा, फॉरेन कालिया का क्या होगा सर? अरे मैं करूँगा ना, तुम्हारे फॉरेन कालिया दोनों की सिफारिश करूंगा मैं। चलो भाई।
सलाम कर सबको, सलाम कर सबको, सलाम कर, सैल्यूट प्लीज, सैल्यूट, सैल्यूट, सैल्यूट प्लीज, फॉरेन का है ना? ए बेटा, सैल्यूट, चलो भाई ना यार, उसे बात भागने देना। सर, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चल 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 चल, वेट वेट, सीएम को मिलने जा रहा Thank you.